नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अपडेट। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पहलवान सुशील कुमार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सुशील कुमार को उसकी उत्तर रेलवे की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुशील कुमार के सस्पेंशन की तैयारी उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही शुरू हो गई थी। मंगलवार को उत्तर रेलवे के CPRO ने जानकारी दी कि सुशील कुमार को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहलवान सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से हटाया गया है। दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पर चल रहे सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर ऑन ड्यूटी बनाया गया था। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि रविवार को रेलवे बोर्ड को दिल्ली सरकार से सुशील कुमार से संबंधित एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें सुशील कुमार पर FIR दर्ज होने का जिक्र है। दिल्ली सरकार ने भी सुशील कुमार के डेपुटेशन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने उत्तर रेलवे को इसके संबंध में जानकारी भेजी थी। 2015 से सुशील कुमार रेलवे अधिकारी होने के साथ साथ दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पर कार्यरत था। डेपुटेशन का कार्यकाल 2020 तक था, जिसे वह बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब सुशील कुमार को उत्तर रेलवे के द्वारा भी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुशील कुमार के ऊपर उत्तर रेलवे की तरफ से एक बड़ी गाज गिरी है। अब उसको रेलवे की नौकरी से भी हटा दिया गया है। वहीं सुशील कुमार को आज रीसीन क्रिएशन के लिए दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची, जहां पूरी घटना के बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा जुटाई जा रही है।